Dear students, welcome to Learning Management System of GC University Lahore. Dear students, हमने last lectures में amino acids पढ़े, amino acid की general structure, फिर हमने 20 alpha amino acids की structure draw करना सीखी. उसके बाद हमने अमीनो एसिड का एसिडिक और बेसिक करैक्टर, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और पोलर और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स देखे. अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रोटीन्स. प्रोटीन्स और उनकी स्ट्रक्चर. डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन का जो वर्ड है ये प्रोटियोस से निकला है, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस. प्रोटियोस मींस फर्स्ट इंपॉर्टेंस, जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं. प्रोटीन्स स्पेसिफिक इन नेचर होती हैं और ये स्पीशी स्पेसिफिक होती हैं, यानी हर ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन्स डिफरेंट होंगी. हर एनिमल में, प्लांट्स में प्रोटीन्स डिफरेंट होती हैं. और फिर स्पीशीज स्पेसिफिक होने के साथ साथ ये ऑर्गन स्पेसिफिक भी हैं. ये ऑर्गन है, ऑर्गन स्पेसिफिक मींस ऑर्गन टू ऑर्गन भी वेरी करती हैं. लीवर की प्रोटीन्स ब्रेन की प्रोटीन से डिफरेंट है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की प्रोटीन्स भी आपस में डिफरेंट होती हैं. ना सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की दूसरी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, एक स्पीशी की दूसरी स्पीशी से, बल्कि एक ऑर्गन की दूसरे ऑर्गन से भी डिफरेंट है. डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड मोर देन 50 होते हैं. अगर 50 से कम अमाइनो एसिड हूं तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड इस तरह के नाम देते हैं. तो प्रोटीन्स हैज मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड 50 अमाइनो एसिड से ज्यादा होते हैं, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है. डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स कैन प्रिपेयर ऑल अमाइनो एसिड्स. जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स सारे अमाइनो एसिड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. इसी वजह से हम कहते हैं कुछ अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं, मींस वो बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकता. प्लांट्स सारे अमीनो एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, एनिमल सारे नहीं कर सकते. डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में अमीनो एसिड की कंटेंट थोड़ी होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स. एनिमल्स में अमीनो एसिड की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है. क्योंकि प्लांट्स में इसमें अमीनो एसिड की कंटेंट बहुत कम होती है, यही वजह है अगर प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड प्लांट्स से लेने हों तो फिर प्लांट्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए. जैसा कि आप एनिमल्स को ही देख लें, जो एनिमल्स प्लांट पे गुजारा करते हैं, सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे काओ है, गोट्स हैं, तो प्रोटीन की कंटेंट पूरी करने के लिए उनको प्लांट्स ज्यादा अमाउंट में खाने पड़ते हैं. दे नीड लार्जर क्वांटिटीज ऑफ प्लांट्स. क्यों? क्योंकि प्लांट्स प्रीपेयर तो सारे अमीनो एसिड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाने के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक कंटेंट होती है वो सॉइल से लेते हैं. तो ये एनिमल्स में प्रोटीन्स तो ज्यादा होती हैं, लेकिन वो सारे अमीनो एसिड बना नहीं सकते. डियर स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन डिफरेंट पार्ट्स, जैसा कि मसल्स है, मसल्स में 30% प्रोटीन्स होती हैं, कोलेजन है, लेगुमन है. इसी तरह लिवर में 20-30% प्रोटीन्स,
रेड ब्लड सेल्स में 30% प्रोटीन्स, हत्ता के जो हेयर हैं, जो नेल्स हैं, इनमें तो प्रोटीन्स और भी ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहाँ हेयर्स हैं, नेल्स हैं, यहाँ पर वाटर की कंटेंट कम होती है। यहाँ मसल्स, लीवर, रेड ब्लड सेल्स, यहाँ वाटर कंटेंट मौजूद होती है। यहाँ हेयर और नेल्स, वाटर की कंटेंट बहुत थोड़ी होती है, जिसकी वजह से इनमें प्रोटीन्स की कंटेंट और भी बहुत ज्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर चार तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसमें अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि हमने पेप्टाइड्स वाले लेक्चर में देखा था कि अमाइनो एसिड आपस में लिंक हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। बाकी बॉन्ड्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, इस तरह की जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं, वो नहीं होती। तो दिस इज जस्ट द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स। बाकी कोई भी जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक इंटरेक्शंस होती हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, वो इस स्ट्रक्चर में नहीं होती। यही वजह है इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, ये हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में कोई आइडिया नहीं देती, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन तो उसकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। तो ये तो लीनियर सीक्वेंस है, ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ है ही नहीं। ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी कि प्रोटीन्स की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसी होगी। और फिर कॉन्फ़िगरेशन का पता कैसे चलता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑफ साइड चेन्स। अगर आपको याद हो, अमाइनो एसिड वाले लेक्चर में हमने देखा था साइड चेन्स या पोलर होती हैं या नॉन पोलर होती हैं। जो डिफरेंट तरह की साइड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जो एक ही तरह की साइड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और प्रोटीन की एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में फ्रेडरिक सेंगर का बड़ा अहम काम है। इसने इंसुलिन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेक किया था, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन इंसुलिन। इसने देखा कि जो इंसुलिन है, इसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं, दो चेन्स होती हैं, एक 31 वाली और दूसरी 20 वाली। फ्रेडरिक सेंगर ने फर्स्ट टाइम प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग स्टार्ट की। इसने इंसुलिन के प्रोटीन का, जो इंसुलिन प्रोटीन है, उसके अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताया। इसने बताया कि जो इंसुलिन है उसमें 51 अमाइनो एसिड है, दो चेन्स हैं, एक चेन में 31 और दूसरे में 20 हैं। और ये जो सीक्वेंस है, ये हर प्रोटीन का अपना होता है। ईच प्रोटीन है स्पेसिफिक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस का पता कैसे चलाते हैं? कई मेथड्स हैं। एक बड़ा मशहूर मेथड है, वो है एडमन डिग्रेडेशन। एडमन डिग्रेडेशन से भी हम प्रोटीन्स का सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। देखिए, सारे अमाइनो एसिड लीनियर फैशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी से कोई सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड जो बना हुआ है वही इंटरेक्शन है, बाकी कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब ये एग्जांपल देखें, यहां से देख लें, ये देखें, दिस इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स, और इसमें किसी तरह की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, देखिएगा ये डिफरेंट कलर्स में अमाइनो एसिड जोड़े हुए हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं प्रोटीन्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन। अब फोल्डिंग हुई क्यों? दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थे। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गई है,
उसकी फोल्डिंग होना शुरू हो गई. वाई? दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, यहां देखें, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए. डाइसल्फाइड, अगर इस तरह से ये देखें तो ये डाइसल्फाइड लिंक के, सॉरी, ये पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक किए हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहे हैं. ये देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए. ये जो टोटल लाइन में शो किए हुए हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ये आपस में फोल्ड होगी, इस तरह से क्वाइल हो चुकी है. ये देखें, ये इसकी क्वाइलिंग है. दिस इज फोल्डिंग एंड दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ये दो तरह की होती है. यानी इसमें फोल्डिंग दो तरह से होती है. नंबर वन, अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स, ये डियर स्टूडेंट्स अल्फा हेलिक्स है. ये इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है. ये दिस इज हेलिकल स्ट्रक्चर. अब अगर इस हेलिकल स्ट्रक्चर का हम ये वाला एक्सेस देख लें कि ये इस एक्सेस पे है, ये इस तरह वर्टिकल, तो ये इस एक्सेस पे रोटेट कर रही है. अब इसकी रोटेशन अगर इस तरह से हो, ये वाली इसकी रोटेशन देखिएगा, दिस इज रोटेशन. तो ये इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है. अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो हम इसको कहते हैं राइट हैंड हेलिक्स. और अगर रोटेशन इसकी इसी एक्सिस पे यूं हो जाए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी और इसी वजह से इसको लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये सारे अल्काइल ग्रुप बाहर वाली साइड पे रहते हैं और एक दूसरे से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी आपस में रिपल्शन नहीं होती और अल्फा हेलिक्स जो है उसका जो राइट हैंडेड हेलिक्स है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. लेकिन अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये अल्काइल ग्रुप अंदर वाली साइड पे आ जाते हैं और ये एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग हम पढ़ रहे हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह से फोल्ड करती है. एक हमने देख दिया अल्फा हेलिक्स, क्लॉकवाइज हो तो राइट हैंडेड, एंटी क्लॉकवाइज हो तो लेफ्ट हैंडेड, और राइट हैंडेड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दूसरी टाइप, बीटा प्लीटेड शीट्स. बीटा प्लीटेड शीट्स फिर दो तरह की हैं. अब बीटा प्लीटेड शीट्स जो होती हैं, ये पैरेलल भी और एंटी पैरेलल भी होती हैं. अब इसमें देखें, बीटा प्लीटेड शीट्स में होता क्या है, डिफरेंट जो लीनियर चेन्स होती हैं, जो डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर जाती हैं. यानी एक, फिर उसके ऊपर सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, इस तरह से स्टैकिंग होती रहती है. ये एक दूसरे के ऊपर पेप्टाइड चेन्स जो हैं वो स्टैक जमा होती रहती हैं. अब ये दो तरह से होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाती हैं, जमा होती हैं. एक दूसरे के ऊपर जो कलेक्शंस बना रही हैं, जो शीट्स बना रही हैं, वो दो तरह की होती हैं. एक शीट होती है एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल शीट्स कौन सी होती हैं डियर स्टूडेंट्स? ये दो पोली, ये जो दो हैं पेप्टाइड चेन्स हैं, ये वाली, ये एक लीनियर चेन है, ये दूसरी है. अब देखें, ये ऊपर वाली है, ये नाइट्रोजन से शुरू हो रही है और ये राइट साइड की तरफ जा रही है कार्बन की तरफ. ये नाइट्रोजन से कार्बन, इसकी ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन नाइट्रोजन से देखते हैं. और नीचे वाले की इसकी ऑपोजिट है, नाइट्रोजन से कार्बन. तो अगर दोनों पेप्टाइड चेन्स जो भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रही हैं, रख रहे हैं, आप उनको एक कलेक्शन की शक्ल दे रहे हैं, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो वो एंटी पैरेलल होगी. यानी ये देखें, ये नाइट्रोजन से कार्बन इस तरफ को है टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये नाइट्रोजन से कार्बन टुवर्ड्स राइट है. दिस इज एंटी पैरेलल. और अगर पैरेलल देखें तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी बीटा प्लीटेड शीट्स. देखिएगा, ये देखें, ये नाइट्रोजन से कार्बन और दूसरे वाली भी नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ जा रही है. अगर ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूं तो फिर एक ही तरह के अमाइनो एसिड एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं दिस इज पैरेलल. तो बीटा प्लीटेड शीट्स, जैसे अल्फा हेलिक्स दो तरह का, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, बीटा प्लीटेड शीट्स भी दो तरह की हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल. डियर स्टूडेंट्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है थ्री डायमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट. जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्पेस में
ट्विस्टिंग और फोल्डिंग करके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेती हैं। पहले लीनियर सीक्वेंस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर सीक्वेंस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग है, लेकिन अब साथ ट्विस्टिंग भी हो गई है और ट्विस्टिंग थ्री डायमेंशनल है और स्पेशियल स्पेस में जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट प्रोटीन की आती है दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, स्पेशियल अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनल। किस वजह से आती है देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ और क्या आ गया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ अट्रैक्शन और बढ़ गई है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक जो नॉन पोलर के दरमियान होती है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक इंट्रैक्शंस, ये चार तरह के अट्रैक्शंस आ गई हैं। देखिएगा जरा ये वाली जो इंतहाई राइट साइड पे देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये प्रोटीन की एक टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां पर देखें दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट इंट्रैक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दिस इज नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन। इसी तरह ये देखें, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आपको पता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप वैलीन में होता है, ये भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो दोनों ही हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैं, हाइड्रोकार्बन ग्रुप दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उस रिपल्शन को हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये भी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, डाइसल्फाइड कोवलेंट इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन कोवलेंट और ये हाइड्रोफोबिक नॉन कोवलेंट। और चौथी अट्रैक्शन है आयनिक इंटरेक्शन, एक का अमोनियम आयन दूसरे के कार्बोक्सिलेट आयन से अट्रैक्शन, आयन के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप करवा लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये चार तरह की अट्रैक्शंस होती हैं। अब प्रोटीन्स फोल्ड क्यों करती है, वाई फोल्डिंग, जो थ्री डिमेंशनल ट्विस्टिंग और फोल्डिंग है ये होती क्यों है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बॉडी में होती हैं और हमारे बॉडी में जो सॉल्वेंट है, जो मीडिया है वो पोलर है, हमारे बॉडी में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। अब जब वाटर प्रोटीन को सराउंड करेगा तो इसका मतलब है प्रोटीन्स के जो बाहर वाली साइड के ग्रुप होंगे वो पोलर होने चाहिए ताकि वो वाटर से अट्रैक्शन डेवलप कर लें, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स टुवर्ड्स वाटर बाहर वाली साइड पे होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक होंगे जिनकी वाटर से रिपल्शन होगी वो सारे अंदर वाली साइड पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर अटेन कर लेगी जिसमें अंदर वाली साइड पे हाइड्रोफोबिक ग्रुप होंगे और बाहर वाली साइड पे हाइड्रोफिलिक ग्रुप होंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा प्रोटीन की फोल्डिंग, ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फोल्ड कर जाती है इस तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अब देखें एरो, अगर आप राइट साइड की तरफ एरो देखें तो उसके राइट साइड की तरफ जाने के चांस ज्यादा हैं, लेफ्ट की तरफ चांस कम है। इसका मतलब है ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है। वजह क्या है इसके स्टेबल होने की, क्योंकि ये सरफस एरिया इसका कम हो जाता है, इसका सरफस एरिया कम हो जाता है और इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। अभी हमने देखा चार तरह की अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है इसमें, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी आ जाती हैं, आयनिक इंट्रैक्शंस भी आ जाती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो जो सर्कल फिल किए हुए हैं ये हाइड्रोफोबिक है और जो फिल नहीं किए हुए खाली है ये हाइड्रोफिलिक है। तो देखें जो हाइड्रोफोबिक हैं वो सारे अंदर वाली साइड पे चले गए हैं, क्यों, क्योंकि बाहर हर तरफ वाटर है, तो अगर हर तरफ वाटर है तो प्रोटीन अपने वो वाले ग्रुप बाहर करेगी जिनके साथ प्रोटीन की अट्रैक्शन है, वाटर की अट्रैक्शन है, और वाटर की अट्रैक्शन किन के साथ है, पोलर वाले। तो देखें सारे इसमें पोलर, मेजोरिटी पोलर ग्रुप बाहर वाली साइड पे है और प्रोटीन इस तरह से फोल्ड हुई है कि सारे नॉन पोलर अंदर वाली साइड पे चले गए हैं। तो प्रोटीन फोल्ड कर जाती है, फोल्ड क्यों किया, क्योंकि बाहर मीडिया वाटर है, सारे बाहर आ जाते हैं ग्रुप, और दूसरा अट्रैक्शंस की वजह से, तीसरा अपना सरफेस एरिया कम करने के लिए ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। इसका मतलब है जो प्रोटीन है वो इस फॉर्म में रहने के चांस बहुत कम होते हैं, ये इस फॉर्म में आती क्यों है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स लास्ट स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंटरेक्ट करती हैं, यानी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बन गई हैं अब वो फिर आपस में इंटरेक्ट करके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगी। दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अब इंटरेक्शन दो तरह की होगी, अभी मैंने बताया या तो कोवलेंट होगी, कोवलेंट कौन सी है, डाइसल्फाइड लिंकेज, या नॉन कोवलेंट होगी जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या
हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हैं, वंडरवाल फोर्सेज हैं, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेज हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। देखें इसमें दो तरह की चेन्स हैं, यानी दो तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो कलर की है। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में लिंक कर गई हैं और आपस में अट्रैक्शन डेवलप करने की वजह से ये आपस में अट्रैक्शन डेवलप कर गई हैं और ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन गई है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखिएगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फिर दो तरह की है। नंबर वन, फाइब्रस या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फाइब्रस या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जैसा कि ये देखें ये फाइब्रस प्रोटीन है, तो इसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंट्रैक्शन डेवलप कर रही हैं, यानी ये ट्राइमर है। अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को हम डाइमर कहेंगे, अगर तीन मिलेंगी तो ट्राइमर कहेंगे। तो ये फाइब्रस या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, जैसा कि एग्जांपल क्या है, केराटिन है, कोलेजन है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की एक और टाइप है, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ये स्फेरिकल इन नेचर होती हैं। इसकी बड़ी मशहूर जमाना एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, और ये फंक्शनल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये बॉडी के सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। डियर स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसमें चार तरह की चेन्स है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये वाली है, दूसरी ये वाली, तीसरी पिंक वाली है, और एक ये वाली है। तो इसमें चार तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इसका मतलब है ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्वार्टरनरी प्रोटीन है और ये टेट्रामर है। टेट्रामर का मतलब है चार मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। अब आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो तरह की चेन्स होती हैं, बीटा और अल्फा। चार तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन चार कलर्स में शो की हुई है, लेकिन ये ऊपर वाली दोनों जो है इनको बीटा चेन्स और ये वाली अल्फा चेन्स। ये इनको अमीनो एसिड की बेस पे, इसमें टोटल 574 अमीनो एसिड होते हैं और एक चेन में 141 और दूसरी में 146 हैं। दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन्स है। डियर स्टूडेंट्स ये थी टर्शरी, क्वार्टरनरी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।